Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition, Dwarka Sector 1, New Delhi. Fluid Mechanics video series का आज का video dear student आपके लिए मैं लेके आया हूँ. Properties pressure and its measurement, chapter का basically manometer portion ये basically लेके आया हूँ. Already हम प्रेशर एंड मेजरमेंट का दो वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं डियर स्टूडेंट, जहां पे हमने ऑलमोस्ट सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया है. इवन हमने मैनोमीटर और उसके टाइप और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी हमने लर्न कर लिया था. बट मैंने आपको बताया था कि मैनोमीटर के बहुत सारे जो टाइप है उसपे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल को कैसे करना है उसके लिए पहले उसकी फंक्शनिंग समझनी होगी. मैथमेटिकली आपको उसका फंक्शनिंग प्रिंसिपल समझना होगा, और एक बार जब आप उस मैनोमीटर्स के मैथमेटिकल लाइक उसका जो फंक्शन है, उसका जो प्रिंसिपल है, उसको अगर मैथमेटिकली अंडरस्टैंड कर लोगे डियर स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल इज नथिंग बट द मैथमेटिकल एप्लीकेशन, जो उसका प्रिंसिपल है मैथमेटिकल प्रिंसिपल, उसी का बेसिकली यूज करके आप किसी भी कन्वेंशनल टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट. सो ये आज का हमारा फोकस बेसिकली इसी पॉइंट पे है, और जो भी हम क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें जो प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई के आए हुए क्वेश्चन है, और एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल के क्वेश्चन है, और कुछ आईएएस के भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे, और आपको इससे पूरी क्लैरिटी मिलेगी मैनोमीटर और उसके एप्लीकेशन पे. सो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक व्हिच इज मैनोमीटर एंड इट्स टाइप. सो एक बार मैं रेकमेंड करूंगा कि जो प्रॉपर्टीज जो बेसिकली जो प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट, इसका जो दो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं उसको पहले आप गो थ्रू हो, और वहां पे मैनोमीटर को मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन किया है, और हर एक क्लासिफिकेशन करने के बाद हर एक का मैंने बेसिक फंक्शनैलिटी और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो मैं बेसिकली वो अब एज्यूम कर रहा हूं कि आपने उसको देखा है, अगर नहीं देखा है तो उसको आप एक बार देख लो और हम उससे आगे बढ़ते हैं. मीन्स हम डायरेक्टली मैथमेटिकल प्रिंसिपल पे आते हैं. सो सबसे पहला डियर स्टूडेंट जो पीजोमीटर है, सबसे पहला आपका क्या है पीजोमीटर. डियर स्टूडेंट मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि पीजोमीटर सिंपलेस्ट मैनोमीटर है, और ये प्रैक्टिकली इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाता है बिकॉज इसकी अपनी एक लिमिटेशन, इससे आप बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मेजर नहीं कर पाओगे वन, और दूसरा अगर फ्लक्चुएशन वगैरह है तो वो भी एड्रेस नहीं हो पाएगा, और प्रैक्टिकली ये वायबल नहीं है. बट यस, इसका जो प्रिंसिपल है वही ट्रिगरिंग पॉइंट है मैनोमीटर के प्रिंसिपल का. सो लेट्स स्टार्ट विद पीजोमीटर ओनली. अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आ जाता है तो आपको ये वाला लॉजिक लगाना, पीजोमीटर इज लाइक ये पाइप है, इसमें जस्ट एक 90 डिग्री ये बेंड, ये डियर स्टूडेंट एक पाइप, एक ये जो हमने कनेक्ट किया ना यही पीजोमीटर है डियर स्टूडेंट, यही पीजोमीटर है. और इसमें कैसे प्रेशर मेजर होगा, तो लेट्स से ये एक पाइप है जिसका प्रेशर, जिसमें जो फ्लूड है उसका प्रेशर पी है, जैसे ही आप पीजोमीटर कनेक्ट करोगे तो पीजोमीटर का ये वाला पोर्शन ओपन टू एयर होता है, ये होता है ओपन टू एयर, राइट. तो ये जो फ्लूड है इसमें इन करेगा, और यहां पे स्टैग्नेशन पॉइंट है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहां पे फॉर द मोमेंट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी डियर स्टूडेंट. सो यहां पे अगर आप वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक हेड जीरो होगा, तो यहां पे पूरा का पूरा प्रेशर हेड में कन्वर्ट होगा, मींस फ्लूड राइज करेगा, और राइज करके एक सर्टन इस प्रेशर के इक्विवेलेंट एक सर्टन हाइट पे जाके ये स्टेबल हो जाएगा. एंड लेट्स से दिस इज योर हाइट एच, दिस इज योर हाइट एच. तो अब आप इस पोर्शन पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो बॉटम पे इस पॉइंट पे इस स्टैटिक फ्लूड की वजह से जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये होगा रो जी एच. व्हाट इज रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूड फ्लोइंग, क्योंकि यही फ्लूड इसमें इन करेगा, इस पीजोमीटर में कोई एक्स्ट्रा फ्लूड फिल नहीं होता. रो इज डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूड फ्लोइंग, जी इज एक्सेलरेशन due to gravity 9.81, and h is the piezometric height or fluid level rise, jo fluid ka level rise kar raha hai wo hoga.
So यहाँ का जो static pressure radiation वो rho g h है, and from Pascal's law you can say अगर ये line है तो यहाँ का pressure और यहाँ का pressure equal होगा क्योंकि horizontal एक ही line पे है और static fluid की बात है. So यहाँ पे clear है कि जो P आपको निकालना है वही rho g h के बराबर हो जाएगा. So ये बहुत important concept है. और एक बार वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ एच विच कैन बी इजीली फाउंड बाय ग्रेजुएटिंग दिस स्केल लाइक ग्रेजुएटिंग दिस ट्यूब और इससे आपको एच की वैल्यू आ जाएगी. इस एच को यहां पे पुट करो, रो जी इज ऑलरेडी नोन, आपको प्रेशर मिल जाएगा. प्रेशर यू कैन इजीली फाइंड. सो कॉन्सेप्ट है कि यहां पे एच बेसिकली क्या है, इसको आप रीराइट भी कर सकते हो. डिशन P इज इक्वल टू रो जी को स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो स्पेसिफिक वेट इनटू हाइट. सो आइडिया इज कि यहां पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर आप फाइंड कर सकते हो. बट डिशन मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं कि इसका ज्यादा प्रैक्टिकल लिमिटेशन है नहीं. हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ट्रिगरिंग पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल का. जो मैनोमीटर जिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसका ट्रिगरिंग पॉइंट है, तो इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना है. और ये क्यों प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, क्यों प्रैक्टिकली वायबल नहीं है, इसका सिंपल रीजन है कि अगर ये प्रेशर ज्यादा हुआ तो प्रेशर चूंकि एच पे डिपेंड कर रहा है तो ये फ्लूइड बहुत ज्यादा हाई राइज करेगा. तो बहुत ज्यादा हाई राइज करेगा तो ये जो ट्यूब की लेंथ है वो बहुत ज्यादा आपको बनानी पड़ेगी, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. क्योंकि बहुत ज्यादा अगर, क्योंकि ये थिन ट्यूब होती है डियर स्टूडेंट, अगर ये इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी तो ये अनस्टेबल भी हो सकता है और रीडिंग लेने में भी प्रॉब्लम होगी. सो प्रैक्टिकली इसको हम यूज नहीं कर पाते. बट स्टिल दिस इज योर द फर्स्ट ट्रिगरिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर योर मैनोमीटर मैनोमीटर लाइक प्रिंसिपल इज गेट ट्रिगर्ड, राइट. So this is what the piezometer dear student. Now piezometer की जो limitation है उसको overcome करने के लिए जैसा मैंने already बताया हुआ है last video में कि हम YouTube manometer use करते हैं dear student. और YouTube manometer is the first practical manometer जिसे हम pressure find कर सकते हैं. So इसी का modification होता है piezometer में. क्या है YouTube manometer? Let's see. YouTube manometer dear student. आपको बेसिकली जस्ट मैथमेटिकल प्रिंसिपल समझना है क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी को एज इट इज यूज करेंगे क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू मग अप द फॉर्मूला. क्योंकि हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट लर्न करना है. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप वैल्यू निकाल लोगे, फॉर्मूला नहीं याद रखना. सो डियर स्टूडेंट यूट्यूब मैनोमीटर क्या है? सो सेम केस लेते हैं डियर स्टूडेंट, ये एक पाइप है और इसका प्रेशर है पी जो कि इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इसका प्रेशर फाइंड करना है. तो अब आपको इस ट्यूब में एक मॉडिफिकेशन करना होगा पीजोमीटर में. एंड बिकॉज इट इज यू ट्यूब सो यू हैव टू मेक समथिंग लाइक यू शेप का एक ट्यूब लगाना होगा. अगेन इसका, अब चूंकि ये यू शेप का है तो इसको हम बोलते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर. डियर स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं? यू ट्यूब मैनोमीटर. नाउ इस मैनोमीटर में आप पहले से एक फ्लूइड फील्ड होता है, ये चीज आपको समझना है. इस मैनोमीटर में ऑलरेडी फ्लूइड फील्ड होगा जो कि इस फ्लूइड जो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है उससे हैवियर भी हो सकता है और लाइटर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन. अगर ये प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो हैवियर फ्लूइड यूज करेंगे. और यू कैन से कि इसमें बेसिकली हम हैवियर ही फ्लूइड यूज करते हैं, जनरली मर्क्यूरी फिल करके रखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आपने अभी मर्क्यूरी फिल किया हुआ बिफोर कनेक्शन ऑफ दिस यू ट्यूब विद अ पाइप. तो अभी इस पोर्शन को मैनोमीटर के इस लेफ्ट साइड को इसको बोलते हैं लेफ्ट लिंब. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है डियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है. लेफ्ट लिंब बोलते हैं एंड दिस इज द राइट लिंब ऑफ मैनोमीटर. दिस इज द राइट लिंब ऑफ मैनोमीटर. So, अभी हमारा ये लेवल लेफ्ट और राइट में इक्वल है. इसका एक ऑलरेडी मैनोमेट्रिक फ्लूड है. ये क्या है डियर स्टूडेंट? मैनोमेट्रिक फ्लूड है जो कि जनरली क्या होता है, मर्क्यूरी होता है एचजी. सो मर्क्यूरी ऑलरेडी ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो कि फ्रीड है. जैसे ही पाइप में कनेक्ट किया तो ये लेवल डिस्टर्ब होगा. मीन्स आप खुद सोच सकते हो ये जो फ्लूड है जो पाइप में है ये इन करेगा इसके लेफ्ट लिंब में और चूंकि प्रेशर ज्यादा है तो इसको डिस्प्लेस करेगा. ये बेसिकली ये जो आपका मर्क्यूरी है ये थोड़ा इसमें ये वाला लिक्विड इन करेगा और ये वाला जो मर्क्यूरी का लेवल है ये इसमें ऊपर
राइज करेगा ऑब्वियसली। सो ये चीज आपको समझना है, ये फेनोमेना होगा जैसे हम कनेक्ट करेंगे राइट। सो अब जो इंटरफेस है लेफ्ट लिंब में इस लिक्विड का और मैनोमेट्रिक लिक्विड का इंटरफेस ये यहां पे है। इसके ऊपर ये वाला लिक्विड है जो पाइप में फ्लो हो रहा है और इसके नीचे डियर स्टूडेंट मैनोमेट्रिक फ्लूड है जो कि ऑलरेडी इसमें फिल्ड है। तो ये एक लेवल है इंटरफेस लेवल, इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूं राइट। सो अगर आप मैथमेटिकली अगर कुछ वैल्यू लोगे तो इस पाइप के सेंटर से इस इंटरफेस की हाइट को हम लेट्स से डियर स्टूडेंट कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो क्योंकि हमें मैथमेटिकल एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो इसको मैं व्हाट आई कैन टेक इज लेट्स से एक्स ले लिया मैंने, ये मैंने x ले लिया और ये राइट लिंब में जिस लेवल तक मर्क्यूरी राइज किया उसका इस डेटम से मींस इस लेवल से इसको h ले लिया राइट। और ऑब्वियसली ये मर्क्यूरी है तो इसकी डेंसिटी है मर्क्यूरी की डेंसिटी रो एच जी और ये बेसिकली रो लिक्विड है जो लिक्विड इसमें पास हो रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। So this is the actual scene once this YouTube manometer gets connected with this pipe, right? यही हो सकता है। ये H आपको obviously इसमें जो reading से आपको मिल जाएगी, ये H और X तो आसानी से आपको मिल जाएगी क्योंकि reading है। ये transparent tubes है, definitely इसके reading मिल जाएगी आपको। तो H और X पता चल जाएगा आपको reading से। जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, उसकी properties से, उसकी density आपको पता है। So then how can you find this टारगेट ऑफ पी प्रेशर? ये पी प्रेशर जो कि पाइप का प्रेशर है ये कैसे निकाल सकते हैं? बाय गोइंग यूट्यूब एच रीडिंग एंड एक्स रीडिंग इज हियर टू अंडरस्टैंड। यहां पे फोकस करो डियर स्टूडेंट, जहां पे लेफ्ट में इंटरफेस हुआ उस इंटरफेस पे लाइन ड्रॉ कर दिया हमने हॉरिजॉन्टल और इसको डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन बोल दिया राइट। नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि लेफ्ट लिंब में इस पॉइंट से ऊपर का जो प्रेशर होगा और राइट लिंब में इसी लाइन के इस पॉइंट से जो ऊपर का प्रेशर होगा ये दोनों इक्वल होगा तभी ये बैलेंस्ड है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यही कैच पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं डियर स्टूडेंट और इस लाइन के ये एक्स एक्स लाइन है फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के, ये एक्स एक्स लाइन है और लेफ्ट लिंब में ये ए पॉइंट इसको एज्यूम कर लिया और ये बी पे, तो मैं बोल सकता हूं प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, ऐसा बोल सकता हूं। इसके ऊपर का प्रेशर और इसके ऊपर का प्रेशर इक्वल होगा डियर स्टूडेंट, यही कैच पॉइंट है, ये चीज आपको समझना होगा। और अगर ये प्रेशर इक्वल है तो जस्ट आप इस प्रेशर की वैल्यू लिख दो। प्रेशर एट ए डियर स्टूडेंट, ए पे प्रेशर किसकी वजह से होगा? तो ए पे प्रेशर इस स्टैटिक हेड जो कि एक्स हाइट का जो फ्लूड है, एक्स हाइट का जो फ्लूड है उसका अपना एक स्टैटिक प्रेशर होगा जो यहां पे एक्ट कर रहा होगा और एट द सेम टाइम पी भी एक्ट कर रहा होगा क्योंकि पी भी इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मींस मैं इस पी ए को क्या बोल सकता हूं, पी व्हिच इज द पाइप फ्लूड प्रेशर प्लस ये वाले हाइट का जो इसकी वजह से यहां का प्रेशर होगा वो आपको ऑलरेडी पता है रो जी एच, तो यहां पे रो रो एल हो जाएगा क्योंकि इस वाले लिक्विड के लिए हाइट है, जी और एच की जगह देयर शुड एक्स हो जाएगा। सो आई थिंक ये आपको पी ए पी एट ए क्लियर हो गया, इज इक्वल टू पी एट बी। तो देखो बी से ऊपर कौन सा प्रेशर है, तो एच हाइट का जो मर्क्यूरी है उसी की वजह से तो प्रेशर होगा। हालांकि यहां पे एयर प्रेशर भी बाय डिफॉल्ट लग रहा है बट उसको हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज हम जो प्रेशर निकालेंगे पाइप का वो गेज प्रेशर आएगा राइट। अगर मैंने इस प्रेशर को एयर प्रेशर को भी यहां पे कंसीडर कर लिया तो फिर ये जो प्रेशर आएगा ये एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा डियर स्टूडेंट। सो यू नो कि एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सब में क्या रिलेशन है, ये ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम बेसिकली जनरली हम अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, इफ नथिंग इज गिवन अनटिल एंड अनलेस इट इज गिवन स्पेसिफिकली कि भाई आपको क्या लेना है, एब्सोल्यूट लेना है, तभी आपको एब्सोल्यूट लेना है, अदरवाइज गेज लेना है। तो मैंने ये PA इज इक्वल टू PB, PB क्या है, ये हो जाएगा रो ऑफ मर्क्यूरी जी और एच, बस आपको पी चाहिए। सो यू जस्ट टेक फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ये वाला इस साइड आ जाएगा सो इट विल बिकम रो एच जी जो कि आपको पता होता है, जी ऑल्सो यू नो एच यू विल गेट फ्रॉम द रीडिंग माइनस रो एल विच यू आर ऑलरेडी नोइंग कि इस पाइप से कौन सा फ्लूड फ्लो हो रहा है
और उसकी डेंसिटी क्या है, जी इज अगेन गिवन और एक्स विल ऑल्सो यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द रीडिंग. सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वन कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ पाइप प्रेशर लाइक द फ्लूइड फ्लोइंग इन द पाइप कैन बी इजीली फाउंड. सो ये चीज एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो YouTube मैनोमीटर में आप कर सकते हो. तो सबसे पहले इस छोटे से एक्सप्रेशन को कैसे हमने डिराइव किया है ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस चैप्टर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो पूरे थ्योरेटिकल वे में मेंशन किया रहता है. तो आपको उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समझ के डायग्राम बनाना है ऐसा, और उस डायग्राम में जो गिवन वेरिएबल्स है एक्स एच कहां से क्या दिया हुआ वो डायग्राम में दिखाना है. एंड देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई इंटरफेस, ड्रॉ करना इंटरफेस लाइन और उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जो लिंब का पोर्शन है दोनों पे प्रेशर इक्वेट करके और आपको फाइंड कर लेना है डिजायर्ड वैल्यू. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एडवाइस करूंगा कि इसको आप अगर समझ गए हो तो इजीली आप आगे के सारे कॉन्सेप्ट बेसिकली समझ सकते हो, क्योंकि YouTube मैनोमीटर का ही मॉडिफिकेशन इफ यू कैन सी द सीरीज पीजोमीटर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उसको इरेडिकेट करने के लिए हमने YouTube मैनोमीटर लिया, फिर इसकी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसकी भी अपनी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, इसको अगर हम हटाने के लिए इसमें बेसिकली एक इंप्रूवमेंट लाते हैं राइट, जो कि आगे हम देखेंगे सिंगल कॉलम मैनोमीटर राइट, और फिर हम देखेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर. तो सब में बेसिकली मोर और लेस यही एक्टिविटी होती है, तो आपको ये चीज समझना है. सो आई होप ये वाला आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट राइट. ओके फाइन. ओके सो डियर स्टूडेंट यूट्यूब मैनोमीटर बेसिकली इंप्रूव्ड वर्जन है किसका, पीजोमेट्रिक पीजोमीटर का, उसका एक इंप्रूव्ड वर्जन है यूट्यूब मैनोमीटर. और यूट्यूब मैनोमीटर जनरली वर्क करता है, अच्छे से वर्क करता है, बट उसकी बेसिकली जो पीजोमीटर की प्रॉब्लम थी कि आपको अगर हाई प्रेशर फाइंड करना है, अगर फाइंड करना है तो आपको ट्यूब की लेंथ बहुत ज्यादा रखनी होगी, उसको ओवरकम किया कि शेप हमने यू दे दिया और उस यू शेप में हैवी फ्लूइड फिल कर दिया. सो हैवी फ्लूइड फिल करने की वजह से जो प्रेशर की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड होगा ट्यूब में वो कंपैरेटिवली लेस होगा और आप बेसिकली लेसर लेंथ की ट्यूब और लेसर डायमेंशन के ट्यूब से आपका काम चल जाएगा. सो वो कॉन्सेप्ट है. लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम था डियर कि प्रेशर का जो फ्लक्चुएशन होगा, ये जो प्रेशर का फ्लक्चुएशन होगा उसकी वजह से बेसिकली ये जो राइट लिम्ब में फ्लूइड का जो बेसिकली लेवल होगा वो बहुत ज्यादा अप डाउन करेगा, जिसकी वजह से आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है प्रैक्टिकली. तो आपको पता है कि राइट लिम्ब में जो लिक्विड की हाइट है ना वो बेसिकली एक्सप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बेसिकली अगर एक्यूरेटली आप फाइंड करते हो तो पाइप का प्रेशर आप इजीली अच्छे से एक्यूरेसी के साथ फाइंड कर सकते हो. तो इसको ओवरकम करने के लिए डियर स्टूडेंट कि अगर प्रेशर में फ्लक्चुएशन होगा तो राइट साइड में बहुत ज्यादा जो रीडिंग है उसकी वेरिएशन नहीं हो, उसके लिए एक टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला और वही सॉल्यूशन जब YouTube मैनोमीटर में इनकॉर्पोरेट किया तो वो YouTube मैनोमीटर बन गया सिंगल कॉलम मैनोमीटर डियर स्टूडेंट. एंड हियर दिस सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज सिंगल कॉलम मैनोमीटर में और YouTube मैनोमीटर में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिजर्वॉयर लगा हुआ है डियर स्टूडेंट. ये देख रहे हो आप, ये रिजर्वॉयर है जिसका एरिया बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस ट्यूब एरिया. यहाँ पे अगर मैं ट्यूब के एरिया को स्मॉल ए बोलता हूँ और रिजर्वॉयर के एरिया को ए बोलता हूँ तो लगभग 100 टाइम्स होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स होता है रिजर्वॉयर का एरिया ट्यूब के एरिया का. अच्छा, यहाँ पे रिजर्वॉयर देने से कैसे वो टेक्निकली जो प्रॉब्लम था फ्लक्चुएशन का वो अरेस्ट हो जाएगा, इसको आपको समझना है. तो देखो सिंपल है, आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा एरिया होने की वजह से, रिजर्वॉयर का एरिया ज्यादा होने से अगर प्रेशर का फ्लक्चुएशन होगा तो उसकी वजह से बेसिकली जो इस लार्ज रिजर्वॉयर में जो ऑल जो मैनोमेट्रिक लिक्विड का जो लेवल है वो बहुत कम फ्लक्चुएट करेगा, मतलब बहुत कम डाउन होगा ऐसा कह सकते हो. मतलब ये अगर आप देखोगे कि पहले अगर एक्सएक्स था इंटरफेस इस लिक्विड का और मैनोमेट्रिक लिक्विड का, बट अगर प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा तो ये थोड़ा सा डाउन होगा, ये थोड़ा सा डाउन होगा जिसको हमने डेल्टा एच लिया. क्यों बहुत कम डाउन होगा, बिकॉज इसका एरिया बहुत ज्यादा है. मतलब यू कैन कंसीडर कि एक बहुत बड़ा कंटेनर है और उसमें एक ग्लास पानी डाल रहे हो तो उसका लेवल जो वाटर का लेवल वो कितना राइज करेगा, नेग्लिजिबल. बट वही अगर कंटेनर बहुत छोटा है तो उसमें अगर एक ग्लास पानी डालोगे तो डेफिनेटली उसमें लेवल
मार्केबल रहेगा, वो आपको दिखेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया हुआ कि ये जो रिजर्वॉयर है इसका एरिया बहुत बड़ा बना दिया टू अरेस्ट दैट प्रॉब्लम, राइट। सो इसकी वजह से आप आसानी से प्रेशर फाइंड कर सकते हो। तो देखो एक टिपिकल अरेंजमेंट बताया हुआ सिंगल कॉलम मैनोमीटर का। सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पे राइट लिंब वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है, राइट। अभी मैंने वर्टिकल केस लिया, अभी फिर हम इंक्लाइंड भी ले लेंगे। इंक्लाइंड होने का क्या एडवांटेज होता है? तो इंक्लाइंड होने का ये एडवांटेज होता है कि वो मैनोमीटर जो इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होता है डियर स्टूडेंट। व्हाई? बिकॉज़ जो लिक्विड राइट लिंब में जो लिक्विड राइज करेगा ना उसकी लेंथ इंक्लाइंड होने से ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा लेंथ होने की वजह से आपकी सेंसिटिविटी आप कह सकते हो उसकी ज्यादा होती है। मतलब अगर सेम प्रेशर के लिए अगर ज्यादा राइज करता है तो डेफिनेटली उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है और रीडिंग भी इजी होती है, बिकॉज आप शार्प वर्टिकल और थोड़ा सा इंक्लाइंड करोगे तो आपकी हाइट भी कम हो जाएगी और रीडिंग भी आसानी से ले सकते हैं। तो ये दो तीन टेक्निकल एडवांटेज होता है जो इसमें फिर इनकॉर्पोरेट करके इसके राइट लिंब को इंक्लाइंड कर देते हैं, बट प्रिंसिपली कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम है। सो दोनों में रिजर्वॉयर यूज होगा। सो डियर स्टूडेंट सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो कि वर्टिकल टाइप है इससे प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने XX पहले वाला इंटरफेस माना, ये जो लिक्विड है और जो मैनोमीटर का लिक्विड है ऑब्वियसली मर्क्यूरी यूज करते हैं, इन दोनों का इंटरफेस पहले XX था बट ड्यू टू सर्टेन प्रेशर डिफरेंस बेसिकली ये शिफ्ट होके YY पे आ गया और ये शिफ्टिंग बहुत कम होगी, इसलिए हमने डेल्टा X से डिनोट किया गया स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया है। बट इस डेल्टा X शिफ्टिंग की वजह से राइट साइड में पहले XX लेवल पे ये यहां यहीं तक मर्क्यूरी का लेवल था, बट जैसे ही ये डाउन हुआ थोड़ा सा डेल्टा है इसकी वजह से ये H हाइट मर्क्यूरी का लेवल राइज किया राइट में, जो बेसिकली आपको रीडिंग से मिल जाएगी H। एंड व्हाट इज X? X है इस पाइप के सेक्टर से जो ओरिजिनल इंटरफेस था XX उसकी हाइट है डियर स्टूडेंट, जो कि अगेन आपको रीडिंग से मिल जाएगी। तो क्वेश्चन उठता है इसकी डेंसिटी बेसिकली क्या है, रो एल लिक्विड की डेंसिटी है, इसकी रो मर्क्यूरी जो कि मैनोमेट्रिक है, कई बार रो एम भी लिख सकते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये समझना होगा कि ये जितना वॉल्यूम डाउन हुआ ना, ये जितना वॉल्यूम डाउन हुआ उतना ही वॉल्यूम ये राइज किया, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो डाउन हुआ लेफ्ट में वही तो राइट में राइज किया, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगी। तो यहां पे आप लेफ्ट इस रिजर्वॉयर में कितना बेसिकली डाउन हुआ रिजर्वॉयर एरिया इनटू डेल्टा एच ये, और राइट में कितना होगा इसका खुद का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इनटू एच, ये तो सिंपल है, वॉल्यूम निकालना तो एरिया इनटू लेंथ ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एरिया इनटू लेंथ। सो यहां से डियर स्टूडेंट आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एच निकाल सकते हो, जो कि क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट ए एच बाय ए, ये चीज आपको निकाल के रख लेना है, बिकॉज यही जो स्मॉल राइज हुआ है फॉल हुआ है रिजर्वॉयर में इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। Right? Now coming to the same principle, dear student, ये जो YY जो new interface है, इसको मैं horizontal वो मान लेता हूँ reference line, right? और left इस यहाँ का pressure और यहाँ का pressure, इसको फिर से नाम दे देता हूँ मैं B और इसका A। तो फिर से मैं बोल सकता हूँ, चूंकि ये new reference line है, तो ये stably इस पे maintained है, तो PA is equal to PB होगा, dear student, right? A पे pressure क्या होगा? इसके ऊपर जो भी head है, सबसे पहले तो क्या है x प्लस डेल्टा h हाइट का बेसिकली ये लिक्विड है और साथ में ये प्रेशर है, तो मैं क्या लिखूंगा PA को डिस्टेंस p प्लस ये हो जाएगा रो l g h की जगह डिस्टेंस x प्लस डेल्टा h हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू अगर मैं राइट साइड में देखूं तो राइट साइड में मर्क्यूरी का h प्लस डेल्टा h की वजह से होगा डिस्टेंस क्या होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं रो मर्क्यूरी रो जी और एच की जगह यहां पे स्टूडेंट एच प्लस डेल्टा एच हो जाएगा, ये आपको समझ रहा है, राइट, यही होगा। एयर के प्रेशर को तो हम लेते नहीं है बिकॉज हमें गेज चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन है स्टूडेंट। यहां से थोड़ा सा अगर मैं चाहूं तो अपने अपना टारगेट है प्रेशर पी निकालना, तो पी क्या हो जाएगा रो मर्क्यूरी जी एच प्लस डेल्टा एच, और ये वाले टर्म को मैं राइट साइड ले आता हूं, राइट डियर स्टूडेंट, सो माइनस रो एल जी एक्स प्लस डेल्टा एच, राइट। अगर डियर स्टूडेंट मैं ऐसा करूं रो एच जी
जी एच मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर प्लस रो एच जी जी डेल्टा एच राइट, और ये माइनस रो एल जी एक्स माइनस रो एल जी डेल्टा एच। मैं डेल्टा एच वाले को एक साथ अगर ले लू डियर स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर मैं रो एच जी जी माइनस रो एल जी और इन दोनों से मैंने डेल्टा एच कॉमन ले लिया और फिर बाकी ये और ये मैंने डील कर लिया, ये दो टर्म रह गया, तो इसको मैं लिख देता हूं रो एच जी। जस्ट आपको समझाने के लिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि एक्चुअली न्यूमेरिकल में ऐसा ही करना होगा, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला नहीं है, ये स्टेप्स आपको समझना है। रो एच जी जी एच और माइनस रो एल जी एक्स राइट। अब डेल्टा एच की वैल्यू डियर स्टूडेंट चाहे तो हम पुट कर सकते हैं, डेल्टा एच क्या हो जाएगा ए एच बाई ए, सो जनरल जब फाइनली पी क्या हो जाएगा ए एच बाई ए इंटू रो मर्क्यूरी माइनस रो एल और मैं इसको जी अलग से कर देता हूं, दोनों में कॉमन है, प्लस फिर यहां से भी जी कॉमन है डियर स्टूडेंट, तो जी इसमें भी कॉमन है, तो इस पूरे में अगर हम ए एच जी पूरे को लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहां पे जी लिखने की जरूरत नहीं है, और ये भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट रो एच जी एच माइनस रो एल एक्स। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे राइट, मैंने जी पूरे में कॉमन ले लिया राइट, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट जो आपको याद रखना है। याद तो देखो याद रखना तो बहुत टफ होगा, मतलब अननेसेसरी है, क्योंकि आप इस स्टेप को याद रखो, इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये वाला एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम इक्वेट करके, ये वॉल्यूम इक्वल होगा तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना। सो दिस इज व्हाट द सिंगल कॉलम मैनोमीटर ऑफ वर्टिकल टाइप वर्क्स। नाउ यहां पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि जो ए है कैपिटल ए ये बहुत ज्यादा है राइट, और स्मॉल ए बहुत छोटा है कंपेयर टू ए, तो मैं ए बाय ए विच इज ए बाय ए इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, मतलब ए बाय ए बहुत कम हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब स्मॉल ए बाय ए या कैपिटल ए बाय ए नॉट दिस सॉरी ये ए बहुत कम होगा तो स्मॉल ए बाय कैपिटल ए इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा है, तो जब वेरी स्मॉल क्वांटिटी को वेरी बिग क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो यू गेट टू लेसर क्वांटिटी, सो ये बेसिकली इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट यहां पे लगाए तो ए बाय ए बहुत कम होने की वजह से पूरे एक्सप्रेशन को ये वाले एक्सप्रेशन को क्या करेगा नेग्लेक्ट कर देगा, सो नेग्लेक्ट कर देगा मींस इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पे डियर स्टूडेंट इफ स्मॉल ए बाय कैपिटल ए इज वेरी लेस सो देयरफॉर जो कि प्रैक्टिकली होता है सो देयरफॉर यहां से अगर पी लेंगे तो ये हो जाएगा रो एच जी एल एच माइनस रो एल एक्स, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये एक सिंपलीफाइड फॉर्म है, ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये तब यूज करना जब डेल्टा एच वगैरह की वैल्यू नहीं दी हुई रहती है, जब डेल्टा एच की वैल्यू नहीं दी हुई है तो उस केस में स्मॉल ए बाय ए वैसे भी बहुत कम वैल्यू होगी तो उस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर दी हुई है तो यू हैव टू टेक दैट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैनोमीटर रिजर्वॉयर और ट्यूब का एरिया अगर नहीं दिया हुआ है और सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात कर रहा है इट मींस ऑलरेडी आपको नेग्लेक्ट करना है और ये वाला एक्सप्रेशन लेना है, और अगर नहीं दिया हुआ है देन यू हैव टू टेक दिस एक्सप्रेशन। सो आई होप सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ इसी का इंक्लाइन वर्जन देखते हैं स्टूडेंट, और क्यों यूज करते हैं ये ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है, रीडिंग लेना आसान है, ओवरऑल हाइट राइट साइड लिंब का बेसिकली कम हो जाता है, तो वो आपके लिए बेटर और इंप्रूव वर्जन हो जाता है इसका। सो लेट्स सी द इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ओके सो डियर स्टूडेंट ये बेसिकली सिंगल कॉलम मैनोमीटर इंक्लाइंड टाइप है, ये बेसिकली इंक्लाइंड टाइप मतलब जो राइट साइड का बेसिकली आपका लिंब है, जो राइट साइड का लिंब है उसको इंक्लाइन कर दिया और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने थीटा ले लिया राइट। सो राइट साइड में बेसिकली एक्स एक्स से
ये जो लेंथ राइज कर रहा है ये बेसिकली हमने एल ले लिया, राइट लिम में जो मैनोमेट्रिक लिक्विड मींस मर्क्यूरी जो राइज कर रहा है उसकी लंबाई क्या है, इंक्लाइन लेंथ क्या है एल, और हाइट क्या है इसको वर्टिकल हाइट ले लिया हमने एच। तो ऑब्वियसली अगर आप ज्योमेट्रिकली देखोगे तो ये जो एच होगा ये एल का साइन कॉम्पोनेंट होगा, मीन्स ये जो एच होगा डियर स्टूडेंट अगर आप इस छोटे से ट्राइंगल में भी लगाओ तो ये जो h होगा ये l sin थीटा हो जाएगा, राइट। h क्या होगा, l sin थीटा। और आपने ऑलरेडी वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर में जब a by capital small a by capital a को neglect किया था तो ये एक्सप्रेशन आया था, राइट, p is equal to rho h g l minus rho l x, इसमें आपने h की जगह l sin थीटा पुट कर देना है। सो l sin थीटा पुट करने से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर इंक्लाइन टाइप में अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, इसकी जो सेंसिटिविटी है ये ज्यादा होती है, राइट। ये चीज आपको समझना है, इंक्लाइंड होने की वजह से ये जो एल है ये ज्यादा राइज करता है, ये जो एल है ये ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आप इसको ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हो। सेम डेल्टा एच राइज से ये बेसिकली ज्यादा होता है अगर इंक्लाइंड है, और रीडिंग भी आप एक्यूरेट ले सकते हो, हाइट भी कंपैरेटिवली वर्टिकल से कम हो जाएगा। तो ये जस्ट एक इंप्रूव्ड वर्जन है और उसमें एल साइन थीटा का एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगेगा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो आई होप सिंगल कॉलम मैनोमीटर का जो लॉजिक है डियर स्टूडेंट, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, जो कि कई बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ, आईएएस एग्जाम में, एसएससी जेई सब्जेक्टिव में, बीटेक डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल के फ्यूड सब्जेक्ट में कई बार आया हुआ है, एंड दैट इज नन अदर देन डिफरेंशियल मैनोमीटर डियर स्टूडेंट। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर में दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है, एक तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और एक इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है। सो अगर आपने यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर समझ लिया, इन्वर्टेड में उसमें थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा एडेड कॉन्सेप्ट है जो आपको रिमेंबर करना है, और इन दोनों को अगर अंडरस्टैंड कर लेते हो तो ओवरऑल कोई सा भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे मैनोमीटर और प्रेशर मेजरिंग से रिलेटेड आपका मिस नहीं हो सकता। सो लेट्स सी, राइट, ओके। सो डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल मैनोमीटर ये बेसिकली आपका एक मैनोमीटर का टाइप है। बेसिकली ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये सिंपल मैनोमीटर नहीं है। सिंपल मैनोमीटर के जितने सारे टाइप थे, लाइक पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब में बेसिकली, फिर सिंगल कॉलम मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर में भी दो टाइप है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। बट ये सारे सिंपल मैनोमीटर के बेसिकली टाइप है, बट ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है। सिंपल मैनोमीटर से किसी पॉइंट का प्रेशर फाइंड करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर से किसी दो पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस फाइंड करते हैं, चाहे वो दो पॉइंट एक ही पाइप के दो पॉइंट हो सकते हैं या दो पाइप के दो अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। सो यहां पे डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल मैनोमीटर पे यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर ये कौन सा है, ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और एक होता है इन्वर्टेड यूट्यूब। सो दोनों टाइप आपको समझना है, इन्वर्टेड यूट्यूब दोनों समझना है, दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। सो देखो, एक टिपिकल अरेंजमेंट मैंने बनाया हुआ, ये एक पाइप है वहां ये, और दूसरा पाइप ये है, दोनों पाइप पे एक फ्लूड इसमें फ्लो हो रहा है जिसकी डेंसिटी रो वन है, इस पाइप में जो फ्लूड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी रो टू है। हालांकि हमने इसको जनरलाइज करने के लिए दोनों को अलग अलग लिया है, बट अगर दोनों इक्वल लिक्विड भी हो सकता है तो रो वन और रो टू इक्वल हो जाएगा, ये आपको समझना है, बट अभी हमने दोनों को अनइक्वल लिया। तो दो पाइप है, दोनों का अलग अलग प्रेशर है, ये P1 है, ये P2 है, इसमें अलग लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो वन है, और इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो है उसकी डेंसिटी रो टू है। हमने एक डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया दोनों पाइप के थ्रू, इसका लेफ्ट लिम इस पाइप के साथ कनेक्ट है, राइट लिम का एंड इस पाइप के साथ कनेक्ट है। जैसे ही आपने पाइप को कनेक्ट किया तो ये वाला जो फ्लूइड है ये इसके लेफ्ट लिम में इन करेगा, और इस इन की वजह से जो राइट साइड में जो ऑलरेडी फिल्ड मर्क्यूरी है इस डिफरेंशियल मैनोमीटर में वो राइज करेगा, और ये कहां तक राइज कर रहा है, एच हाइट तक डियर स्टूडेंट राइज कर रहा है, और उसके बाद जो लिक्विड है ये यही वाला लिक्विड है, ये जो पाइप का इसका भी तो प्रेशर है, तो ये भी तो बेसिकली फ्लूइड यहां पे एग्जर्ट करेगा प्रेशर। सो अल्टीमेटली जो राइट साइड में मर्क्यूरी का लेवल राइज करेगा वो एच है डियर स्टूडेंट, और ये इंपॉर्टेंट रीडिंग है। एच को क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन मैनोमीटर, एच को क्या बोलेंगे,
डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर रीडिंग ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर की रीडिंग है। और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट लिंब और राइट लिंब में जो मर्क्यूरी हेड का डिफरेंस है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन टू लिंब, इन टू लिंब्स। तो ये डियर स्टूडेंट एच को आपने समझ लिया, राइट, ये मर्क्यूरी का हेड है। नाउ ये वाई क्या है, तो वाई है इस जो पाइप नंबर दो है, इस पाइप का जो लिक्विड है, उस लिक्विड का जो हाइट है इसके सेंटर से, इस मर्क्यूरी के इस लेवल से कितनी हाइट पे है, ये वाई हाइट पे है। और ये जो पी वन, जो ये जो वन वन पाइप नंबर वन में जो फ्लूइड फील्ड है वो एक्स हाइट कहां से है, मर्क्यूरी के लेवल से, जो राइट साइड में जो मर्क्यूरी का लेवल है वहां से एक्स हाइट पे वन नंबर पाइप का सेंटर है, और वहां से वाई हाइट पे टू नंबर पाइप का सेंटर है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमने बनाया हुआ। ये सारी रीडिंग एक्स वाई और एच आपको रीडिंग मिल जाएगी, क्योंकि स्केल बेसिकली जो ट्यूब है वो ग्रेजुएटेड होगा, स्केल बनी रहती है, वो रीडिंग आ जाएगी। और ये रो वन है, ये रो टू है, और ये रो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जो कि मर्क्यूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट फिर से लेफ्ट लिंब में यहां पे इंटरफेस हो रहा है, तो मैंने एक इंटरफेस लाइन ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट बोल दिया ए और ये बोल दिया बी, डेफिनेटली फिर से पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। नाउ फिर से वही ए पे प्रेशर का मतलब है इसके ऊपर सारे फ्लूइड का जो प्रेशर है वो देखना है। तो ए के ऊपर कौन सा फ्लूइड है, तो अगर आप गौर से देखोगे तो एच प्लस एक्स, मतलब ये टोटल हो जाएगा एच प्लस एक्स, ये टोटल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा एच प्लस एक्स, मतलब एच प्लस एक्स हाइट का जो ये लिक्विड है उसका स्टैटिक प्रेशर और साथ में पी वन भी होगा। सो यू कैन राइट इट लाइक पी वन प्लस रो वन जी, और ये हो जाएगा एच प्लस एक्स डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा ए का प्रेशर, बी का प्रेशर इसके ऊपर अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट तो बी के ऊपर कौन कौन सा प्रेशर होगा, एक तो मर्क्यूरी का एच हाइट की वजह से और इस लिक्विड का वाई हाइट की वजह से और साथ में पी टू। So you have to take all these three terms, like सबसे पहले मैं P2 ले लेता हूं dear student, P2 plus इस y height की वजह से कौन सा static head बनेगा, rho 2, चूंकि 2 liquid का है, rho 2 gy and साथ में ये mercury का है, तो ये mercury का rho हो जाएगा rho mercury rho gh, right? This is the exact expression, but you have to find the pressure difference. तो मैंने ये P1 लिया और P2 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, सो इट विल बिकम P1 माइनस P2 विच विल बी आप मैथमेटिकली रो टू जी वाई प्लस रो एच जी जी एच माइनस रो वन जी एच प्लस एक्स। अब ये एच प्लस एक्स इस फिगर के लिए एच प्लस एक्स है, कभी सीधा एक्स ये दे देगा तो ऑब्वियसली वो उस हिसाब से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेंज होगा, बट कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। और यही वो प्रेशर डिफरेंस है जो मर्क्यूरी मैनोमीटर आराम से डिफरेंशियल मैनोमीटर आपको बता देगा, बिकॉज y, h और x आपको ऑलरेडी पता है और रो वन रो टू और रो मर्क्यूरी ऑलरेडी पता है। सो दिस इज व्हाट द प्रेशर डिफरेंस लाइक यू कैन फाइंड इट बाय दिस वे। सो डियर स्टूडेंट अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैं पूरा लिख रहा हूं ना, ये लिखने का स्किल जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, जो अल्टीमेटली जो आ रहा है ना वैल्यू वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, बट दिस एक्सप्रेशन राइटिंग स्किल यू हैव टू डेवलप इफ यू हैव टू डील, इफ यू वांट टू डील विद कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ न्यूमेरिकल और एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल जो कि आपके लेवल का है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हर जगह हम वही लॉजिक लगा रहे हैं, एक डेटम रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इंटरफेस पे है और उसके ऊपर दोनों साइड में प्रेशर इक्वेट कर रहे हैं। तो ये प्रेशर आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अब यहां पे देखो थोड़ी सिंपलिसिटी और क्रिएट हो सकती है, अगर दोनों इक्वल है तो रो वन और रो टू की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल, यहां पे भी रो पुट कर देंगे, यहां पे भी रो पुट कर देंगे, राइट। अगर मान लो ये हाइट दोनों का सेंटर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो देख लेना आपका ये बेसिकली ये हाइट और ये हाइट इक्वल हो जाएगा, आई थिंक एच प्लस एक्स और वाई की दोनों इक्वल हो जाएगा। सो आइडिया इज कि अगर ये एक्सप्रेशन मुझे पता है और इसमें कुछ भी अगर वेरिएशन करता है तो अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमने एडवर्स सिचुएशन, जो एडवर्स कंडीशन जिसको बोलते हैं, वो लेके हमने एक्सप्रेशन बना लिया। तो इसमें कुछ भी अगर करता है कि नहीं भाई ये बेसिकली दोनों का प्रेशर बेसिकली दोनों का दोनों में सेम लिक्विड है
दोनों का हाइट का लेवल एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, व्हाटएवर, सो यू कैन इजीली हैंडल दोस कंडीशंस। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा दिस वन डिफरेंशियल मैनोमीटर का, YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर आपको क्लियर हो गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताऊं अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो इस पे आएगा, ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर डियर स्टूडेंट, एग्जैक्टली यही रहता है बट ये वाला सीधा पलट जाता है, ये ऊपर आ जाता है डियर स्टूडेंट। ये पाइप वैसे ही है बट ये जो यूट्यूब है ना ये ऐसे हो जाता है, अपसाइड डाउन हो जाता है, आप ऐसा समझ सकते हो। अब क्वेश्चन होता है कि ये जो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी आपके लिए सफिशियंट है प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने के लिए, सो इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्यों यूज करेंगे। सो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट सबका अपना एक पर्पस होता है, ये ज्यादा प्रेशर डिफरेंस अगर हो, मान लो इस पाइप के बीच में ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस हो तो इस टाइप का मैनोमीटर यूज करते हैं जिसमें ऑलरेडी मर्क्यूरी फील्ड है जो कि हैवी डेंसिटी का होता है, हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है। बट अगर इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस बहुत कम हो और फिर आपको प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से अगर हम ये वाला मैनोमीटर यूज करेंगे तो इसमें तो लिक्विड राइज ही ज्यादा नहीं होगा, तो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस प्रिसाइसली। So you have to know all these readings precisely na? So ये reading एकदम से legitimate और clear होना चाहिए तभी आप pressure difference find कर सकते हो। But अगर pressure difference दोनों pipe के बीच में बहुत कम होगा पहले से, so that by using this YouTube differential method you cannot find it accurately. So for that there has been a design of this type of differential manometer which is called inverted YouTube manometer. Difference यही रहता है, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए यूज करते हैं वन, उसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड फील्ड होता है डियर स्टूडेंट चूंकि वो इन्वर्टेड होता है तो उसमें हैवी फ्लूइड नहीं यूज कर सकते, हैवी फ्लूइड की जगह लाइटर फ्लूइड होता है। मैंने ऐसे लाइटर फ्लूइड मतलब इसकी डेंसिटी इस पाइप में जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसकी डेंसिटी से कम होगी। So, ये वाला जो लिक्विड है मैनोमेट्रिक लिक्विड ये इन दोनों पाइप के लिक्विड के डेंसिटी से पाइप में जो फ्लोइंग लिक्विड है उसकी डेंसिटी से कम होगा। यही दो स्पेशलिटी इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर को एक अलग आइडेंटिटी देती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट राइट। ओके सो डियर स्टूडेंट द नेक्स्ट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग जो करनी है अपने को डिफरेंशियल मैनोमीटर का इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। सो दिस इज figure of inverted YouTube manometer. अगर आप देखोगे तो manometer को पलट दिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं inverted. Inverted मतलब invert करना, उल्टा करना. So inverted YouTube manometer है. ये एक pipe है और ये एक pipe है. इसका pressure P1 है, इसका pressure P2 है. Again आपका target दोनों का pressure difference ही है. लेकिन inverted YouTube manometer use कब करेंगे जब P1 minus P2 की value comparatively कम हो. ये याद रखना. जब P1 minus P2 की वैल्यू कम हो तब हम इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे राइट। और ये जो मैनोमीटर में ये जो फ्लूइड फील्ड है, ये जो क्रॉस आप देख रहे हो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जो कि लाइटर टाइप होता है, मींस इसकी डेंसिटी को रो एल बोल देते हैं, डेंसिटी ऑफ लाइटर रो एल। सो ये रो वन से भी छोटा होगा और रो टू से भी छोटा होगा, ये चीज आपको समझना है डियर स्टूडेंट। नाउ जैसे ही इन दोनों पाइप के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, ये जो P1 है ये P1 थोड़ा बड़ा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2, इसीलिए हम बेसिकली डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये जो प्रेशर है ये बेसिकली फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव होगा और इसमें जो ऑलरेडी लाइटर फ्लूइड है उसको डिस्प्लेस करेगा तो ये ऊपर उठेगा और राइट साइड में ये डाउन होगा और डाउन आके मान लो यहां सेटल हो गया और ये लिक्विड राइज करके इसको डिस्प्लेस करते यहां सेटल हो गया। सो लेफ्ट साइड में इस लिक्विड और मैनोमेट्रिक लिक्विड का इंटरफेस यहां है और राइट लिम में इस लिक्विड और मैनोमेट्रिक लिक्विड का इंटरफेस ये है राइट। अब इस पे आके ये स्टेबल हो गया, व्हाटएवर द डिफरेंस ऑफ P1 माइनस P2 इज, बट उसकी वजह से ये बेसिकली फिगर आपका बन रहा है। तो यहां पे फिर से हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम इंटरफेस लाइन बना लेंगे राइट। और आपको डिफरेंस निकालना है P1 माइनस P2, ये याद रखना। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट अब यहां पे क्या है कि अब मैं इस लाइन के ऊपर, अब हमें हमेशा मैं बोलता था कि ये जो जो बेसिकली इंटरफेस लाइन है, इस लाइन ये ए है और ये लेट्स से बी है, तो इसके ऊपर का प्रेशर इसके ऊपर का प्रेशर इक्वल होगा अभी तक, क्योंकि इन्वर्टेड यूट्यूब नहीं था। बट इन्वर्टेड यूट्यूब में ऊपर का कोई लॉजिक ही नहीं क्योंकि ऊपर तो फ्लूड है लेकिन वो क्लोज है। तो यहां पर बेसिकली आपको क्या लेना होगा, इस पॉइंट से नीचे का प्रेशर और इस पॉइंट से
नीचे का प्रेशर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पे पास्कल स्लॉप से दोनों इक्वल प्रेशर होगा, तो इस पॉइंट से नीचे का प्रेशर, इस पॉइंट से नीचे का प्रेशर इक्वल होगा, तभी ये स्टेबल कंडीशन बनेगी। तो फिर से मैंने ए पॉइंट नाम दे दिया बी। अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर बिलो ए, बिलो पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर बिलो, प्रेशर बिलो बी पॉइंट। ये आपको समझना है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब जब हम बिलो की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, ये जो एक्स हाइट का ये जो लिक्विड कॉलम है, ये तो डाउनवर्ड प्रेशर बनाएगा, रो जी एक्स, क्या जनरेट करेगा, रो वन जी एक्स, बट ये जो पी वन है ये तो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि ये प्रेशर हाई है, तो इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा। मीन्स इस पी वन की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, और ये जो स्टैटिक एक्स हाइट की लिक्विड है, इसका प्रेशर तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। सो यहां पे क्या होगा, नेट ए पे कितना डाउनवर्ड प्रेशर लगेगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली क्या होगा, आप इसको क्या ले सकते हो, इफ यू कैन राइट इट लाइक डियर स्टूडेंट, ओके। सो डियर स्टूडेंट, यहां पे आपको इस पॉइंट पे से नीचे कितना प्रेशर हो जाएगा, एक तो पी वन जो कि ऊपर लग रहा है, माइनस ये जो x हाइट की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो नीचे लगेगा, इसलिए माइनस ले रहे हैं, क्या होगा, रो वन जी एक्स डियर स्टूडेंट, और तो कोई प्रेशर यहां पे एक्ट नहीं करेगा डाउनवर्ड, इज इक्वल टू, अब बी पॉइंट से नीचे का प्रेशर कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, तो पी टू तो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि पी टू हमेशा ये जो फ्लोइंग फ्लूड है इसका प्रेशर अपवर्ड एग्जर्ट होगा, सो ये पी टू होगा, लेकिन माइनस ये हाइट और ये हाइट के इस लिक्विड की वजह से प्रेशर, और इस हाइट की वजह से इस लिक्विड के प्रेशर, ये दोनों डाउनवर्ड लगेगा, तो इसके लिए मैं डियर स्टूडेंट माइनस रो